हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइनक्राफ्ट में कैसे इजी पीजी गोल्ड फार्म बनाए, जिसकी मदद से अपुन को ढेर सारा गोल्ड मिलेगा। चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इस फार्म को बनाने के लिए आपको सबसे नेदर के रूप पर आना होगा। अगर आपको नहीं पता नेदर के रूप पे कैसे आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको नीचे से डिग करते हुए ऊपर आना है नेदर के रूप टॉप तक। जैसे आप सबसे ऊपर आओगे, आपको एक बार ऊपर का ब्लॉक चेक करना है F3 दबा के। यहाँ पे आप मेरे टारगेट ब्लॉक में देख सकते हो 127 आ रहा है, तो आपको 127 का ब्लॉक चाहिए। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर ऐसे लैडर लगाना है। आपको एक लैडर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ आप नीचे ऊपर कोई ब्लॉक वगैरह लगा के भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। देन आपको फिर लैडर पे चढ़ के ऐसे आना है, एंड आपको लगेगी एक पल, जो पल आपको यहाँ पर ऐसे इसके कॉर्नर में एम करके थ्रो करनी है, एंड बूम गाइस, इसके साथ आप नेदर के रूफ पर आ चुके हो। तो चलिए अभी फटाफट फार्म बनाना शुरू करते हैं। एंड सबसे मेन बात गाइस, आपको ऊपर आने के बाद यहाँ पर बायोम ढूंढनी, नेदर वेस्ट बायोम। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर नीचे बायोम जो है, बायोम माइनक्राफ्ट नेदर वेस्ट लिखा आ रहा है कोऑर्डिनेट्स के नीचे। तो आपको नेदर वेस्ट बायोम ढूंढनी, अदरवाइज फार्म किसी और बायोम में बनाओगे आप तो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ ऊपर आने के बाद आपको सबसे पहले ऐसे चेस्ट लगा देनी है, पूरी तीन तीन चेस्ट लगा देनी है, साइड में लार्ज चेस्ट लगा देनी है, एंड उसके बाद हर चेस्ट में आपको हॉपर लगाने पांच पांच ऐसे आगे के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। सेम चीज आपको बाकी दो चेस्ट में भी कर देनी है, इनमें हॉपर लगा देने आपको सिंपली ऐसे आगे के लिए। ऑलराइट, ऐसे पांच पांच हॉपर लगा देने के बाद आपको इन दोनों के दो दो साइड से ऐसे तीन तीन हॉपर लगा देने, लाइक मैं लगा रहा हूँ लाइक दैट। तो मतलब अभी आप देख सकते हो कुल के प्लेटफॉर्म ऐसे बन जाएगा नीचे 3x3 का, एंड चारों साइड तीन तीन हॉपर एक्स्ट्रा। इतना होने के बाद गाइस ये रहा हमारा सेंटर का हॉपर। यहाँ पर अपन एक सिंपली एक ब्लॉक लगा देंगे कोई भी, एंड यहाँ से आप उनको ऊपर की तरफ चलना है पूरे 25 ब्लॉक। सो ऑलराइट, हम 23 ब्लॉक ऊपर आ चुके हैं, एंड इट्स मोर देन इनफ। यहाँ आने के बाद आपको सिंपली इसके बाकी के साइड से मैग्मा ब्लॉक लगा देने हैं, मतलब एक टाइप की पूरी रिंग बना देनी है जैसे मैं बना रहा हूँ लाइक दैट। मतलब बीच वाला ब्लॉक अपन का खाली रहेगा, यहाँ पर अपन लगाएंगे टर्टल एक। एक जगह पे आप जितने ज्यादा लगा सकते हो लगा देने हैं आपको, एंड देन सिंपली ये जो हमने हर साइड से मैग्मा ब्लॉक लगाए, इनको अपन ऐसे सात सात ब्लॉक और एक्सटेंड करेंगे, 1 2 3 4 5। मैं 5 कर लेता हूँ, आप चाहे तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। सो ऑलराइट, हमने हर साइड से पांच पांच ब्लॉक एक्सटेंड कर दिए। अभी हमें इन सारे ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर लेना है। सो ऑलराइट गाइस, इसके साथ हमने यहाँ पर ये पूरी लेयर कंप्लीट कर दी। देन अपन ने जो बीच में टर्टल एक लगाए, यहाँ पर हमें सिंपली ऐसे ट्रैप डोर लगा देने हैं, एंड इनको ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर तीन ट्रैप डोर लगाए हैं, आपको वैसे तीन ट्रैप डोर लगा देने हैं हर साइड से। इतना होने के बाद हम यहाँ पर टेम्परेरी दो ब्लॉक लगा देंगे, एंड इसके ऊपर एक थर्ड ब्लॉक अपन यहाँ पे लगा देंगे, एंड सिंपली यहाँ पर बीचों बीच एक ब्लॉक लगा देंगे, फिर अपन ये टेम्परेरी ब्लॉक तोड़ देंगे। एंड यहाँ पर भी अपन को बीच में जगह छोड़ देनी है, एंड यहाँ पर भी अपन टर्टल एक लगा देंगे बिल्कुल ऐसे, एंड यहाँ पर भी अपन तीन तीन ट्रैप डोर लगा देंगे लाइक दैट। एंड ये चीज हमें हर साइड से करनी है, एंड जो सेम हमने नीचे जो लेयर बनाई है ऐसे हमें यहाँ पर ऊपर और तीन चार लेयर आप जितनी मर्जी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बस आपको दिखाने के लिए दो लेयर और बना लेता हूँ फटाफट। सो गाइस, इसके साथ आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरे तीन लेयर बना दी है। देन इसके बाद अभी बारी आती है हमारे यहाँ पे टॉप की, तो टॉप के लिए भी हमें सेम करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे तीन तीन हम लगा देंगे ट्रैप डोर, एंड इतना होने के बाद यहाँ पर इसके बीचों बीच अपन कोई भी अपना एक टेम्परेरी ब्लॉक लगा देंगे, या फिर डिजाइन का मतलब टेम्पररी मतलब हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन आपका जो मर्जी आप वो ब्लॉक लगा सकते हो। लेकिन बस इतना याद रखना कि वो ब्लॉक नॉन स्पॉनेबल होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कुछ भी स्पॉन नहीं होना चाहिए। तो नॉन स्पॉनेबल बात की जाए तो मैं लूंगा यहाँ पर ग्लास, आप जिस कलर का ग्लास चाहिए वो ले सकते हो, या फिर आपके पास ग्लास नहीं तो आप लिव्स का भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस साइड से एक ब्लॉक छोड़ देना है, सेकंड ब्लॉक पे आना है, ये दो ब्लॉक लगाने, एंड थर्ड ब्लॉक पे लगा देने, फिर ये नीचे के हमें तोड़ देना है, एंड यहाँ पर इस लेयर को ऐसे कंप्लीट
कर देना है साइड तक। देन सेम हमें यहाँ पर बीच में दो ब्लॉक छोड़ देने हैं एंड वापस एक लेयर ऐड कर देनी। ये लेयर गाइज टॉप वाली, आप नीचे चाहे जितने लेयर बना दो लेकिन टॉप पर ये लेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना आपके फार्म में घास स्पॉन होंगे काफी ज्यादा एंड वो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगे। साथ ही में मैग्मा क्यूब भी स्पॉन हो सकते हैं आपके फार्म में, वो भी आपको काफी ज्यादा परेशान करेंगे। सो गाइज इसके साथ मैंने ऊपर ग्लास भी हमारे लगा दिए है एंड ये जो हमने यहाँ पर नीचे टेम्पररी ब्लॉक लगाए थे इनको मैं हटा देता हूँ बिकॉज फिलहाल हमें अभी इनकी कोई जरूरत नहीं है। सो ऑल राइट गाइज इसके साथ हमारा फार्म बनके अभी रेडी हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके रूप पे जाना है। सिंपली यहाँ पे जो हमने बीच वाला जो ट्रैप डोर लगा रखा है निशानी के लिए, इसको हटा देंगे अपन एंड यहाँ पर हम लगाएंगे पूरे 19 स्काई होल्डिंग। सो गाइज इसके साथ मैंने यहाँ पर 19 स्काई होल्डिंग लगा दिए, तो अभी चलते फटाफट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ। तो गाइज यहाँ पर स्काई होल्डिंग की जगह आप कोई और टेम्पररी ब्लॉक का यूज करके उसमें लैडर वगैरह भी लगा सकते हो, उस चीज का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऊपर आने के लिए। ये बात को याद रखना, यहाँ पे स्काई होल्डिंग यूज जरूरी नहीं है। सो इसी के साथ गाइज हम एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे लिए एक एवक स्पॉट बना लेंगे लाइक दैट एंड अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी बस हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए एवक करना है। जितना मर्जी आप कर सकते हो, जितना ज्यादा देर तक आप यहाँ पर एवक करोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे गोल्ड मिलने वाला है। सो आई होप गाइज आपको हमारा ये वाला गोल्ड फार्म पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेक श्योर लीव अ लाइक एंड ऐसे मोर इंटरेस्टिंग फार्म ट्यूटोरियल वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।